तक जो कॉन्ट्राबैंड हमने रिकवर किया है उसकी टोटल क्वांटिटी है 7 किलो 800 ग्राम हेरोइन लाइक सब्सटेंस, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू तकरीबन 50 करोड़ रुपए के आसपास है। और जो कैश अब तक हमने रिकवर किया वो भी 12 लाख रुपए से ज़्यादा है। इस केस में जो है अब तक के जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके मुताबिक ये पूरा मॉड्यूल जो है वो पाकिस्तान बेस्ड नार्को हैंडलर्स के बिहाफ पे काम कर रहा था, और उनका मकसद ये था कि वादी कश्मीर में मंशियत खोरी की जो गोरख धंधा है उसको बढ़ावा दिया। देखिए, पुलिस ने जो है पिछले एक साल से बहुत बड़े पैमाने पे बारामूला में नारकोटिक्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की है, और नतीजतन जो है हीरोइन के यूसेज में और हीरोइन की रिकवरी में भारी मात्रा में गिरावट आई। हमारी कामयाबी है और इसी में और इजाफा होता रहेगा, और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हम बारामूला को ड्रग फ्री न बनाएं। नाज़रीन, आपको बता दें, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद साहिल नज़ीर वानी के साथ। हमारे साथ मौजूद है SSP बारामूला श्री अमोद अशोक IPS, और पुलिस की जो कार्रवाई है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई है ड्रग पेडलर्स को लेकर। हालांकि जब हम बात करते हैं नॉर्थ कश्मीर को लेकर, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है पुलिस को, और आवाम भी इसमें खुश है। आवाम इसलिए खुश है, नौजवान अब दिन ब दिन उनकी जिंदगानी ख़राब होती है। सर, ये जो आपने बड़ा जो मॉड्यूल था ड्रग पेडलर्स का, कैसे आपने इसको 8 मई 2024 को जो है पुलिस स्टेशन उड़ी को एक मुतबज़रा से इत्तला मौसूल हुई कि चुरुंडा इलाके में कुछ ड्रग पेडलर्स जो है उन्होंने कंसाइनमेंट छुपा के रखा है। इस इत्तला के मौसूल होते ही जो है हमने FIR रजिस्टर किया, और दौरान तफ्तीश दो लोगों का नाम हमें हासिल हुआ, जानकारी उनकी हासिल हुई, जिनका नाम है सजाद अहमद और महमूद, जो कि चुरुंडा और धनी सैदा के रहने वाला है। उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि उन्होंने कोई कंसाइनमेंट जो है नार्कोटिक्स का वो चुरुंडा में छुपाया है। इसके बाद जो है पुलिस और मजिस्ट्रेट ने मिलकर इंडियन आर्मी की ट्रुप्स की मदद से जो है चुरुंडा इलाके में सर्चेस की, और ड्यूरिंग सर्चेस हमने वहाँ से जो है कुछ कॉन्ट्राबैंड और कैश रिकवर किया। इन दो अक्यूज ने जो है अपने एक तीसरे साथी का नाम भी हमें बताया, जिसका नाम है फयाज अहमद, जो कि धनी सैदा का रहने वाला है। उसके क्वेश्चनिंग के दौरान उसने भी ये डिस्क्लोज किया कि उसने कुछ कॉन्ट्राबैंड छुपा के रखा है और कुछ कैश अपने घर में छुपा के रखी है, वो भी रिकवर किया गया। अब तक जो कॉन्ट्राबैंड हमने रिकवर किया है उसकी टोटल क्वांटिटी है 7 किलो 800 ग्राम हेरोइन लाइक सब्सटेंस, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू तकरीबन 50 करोड़ रुपए के आसपास है। और जो कैश अब तक हमने रिकवर किया वो भी 12 लाख रुपए से ज़्यादा है। इस केस में जो है अब तक के जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके मुताबिक ये पूरा मॉड्यूल जो है वो पाकिस्तान बेस्ड नार्को हैंडलर्स के बिहाफ पे काम कर रहा था, और उनका मकसद ये था कि वादी कश्मीर में मंशियत खोरी की जो गोरख धंधा है उसको बढ़ावा दिया जाए। जी सर, हमने सर देखा है पिछले कई महीनों से, चाहे नारबल से लेकर बात करें, पुलिस पोस्टर्स की बात करें, हर जगह पुलिस के नाके हुए हैं। आपको लगता है कि अब दिन ब दिन इस पे कम क्वांटिटी हो रही है या और भी इजाफा हो रहा है? देखिए, पुलिस ने जो है पिछले एक साल से बहुत बड़े पैमाने पे बारामूला में नारकोटिक्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की है, और नतीजतन जो है हीरोइन के यूसेज में और हीरोइन की रिकवरी में भारी मात्रा में गिरावट आई है। आज का जो ये कंसाइनमेंट है ये भी अगर आप देखेंगे तो हमने ये बॉर्डर के इलाकों में ही सीज कर लिया है, क्योंकि जो अलर्टनेस है पुलिस की उसकी वजह से नार्को स्मगलर्स इस कॉन्ट्राबैंड को मेन लैंड में या फिर हमारे शहरों तक नहीं ला पा रहे हैं। यही हमारी कामयाबी है, और इसी में और इजाफा होता रहेगा, और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हम बारामूला को ड्रग फ्री न बनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे हमसे SSP बारामूला श्री अमोद अशोक IPS, जिनका यहाँ पर यही कहना है ये एक ड्रग पेडलर्स का एक बहुत बड़ा मॉड्यूल था, और जिसमें पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की है और पुलिस इसमें कामयाब हो गया है। हालांकि जब हम इसकी ब्लैक इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करते हैं, वर्थ 50 करोड़ इसका ब्लैक मार्केटिंग है, लेकिन यहाँ पर ये कहेंगे जब हम आम लोगों से भी बात करते हैं, आम लोगों का यही वर्जन है कि पुलिस का एक अच्छा रोल रहता है ड्रग पेडलर्स को पकड़ने में, क्योंकि न सिर्फ ये इस इंसान को बर्बाद करता है बल्कि जो इस शख्स के, जो कोई भी ड्रग पेडलर होता है, जो इसके साथ फैमिली एसोसिएटेड होती है, रिलेटिव्स होते हैं, एक तो ये खुद अपना नाम भी बदनाम करता है, खुद इसकी सेहत भी खराब होती है, और बाद में ये गलत कामों में
इंडल्ज होता है। तो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर हम यही कहेंगे पुलिस के हाथ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला SSP ऑफिस से साहिल नजीर वानी विद सीनियर जर्नलिस्ट मजीद शिरी। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग तामिल इरशाद।